दुनिया में भारत का जो स्थान है उस दृष्टि से भी महत्व का है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश और ये सबसे बड़े प्रदेश का और भी एक महत्व है कि दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं कि जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है, वो है अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया। तो ये 3 देश छोड़कर दुनिया के सभी देशों से इस प्रदेश की आबादी ज़्यादा है और संस्कृति भी बहुत पुरातन है। और ऐसे स्थान पर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि आज मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सका और साथ ही साथ यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वह भी देखने का भाग्य। सर, एक दूसरा सवाल ये कि आजकल ये इस तरह का माहौल बन रहा है कि जो नेहरू जी थे उनके समय के जो उनके बराबर के नेता थे उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, आपकी क्या राय है? ठीक है ना? ऐसा है कि सम्मान देना लेना वो जो व्यक्ति है और उसके बारे में समाज में जो प्रतिक्रिया है उस पर निर्भर होता है और ये कोई तराजू में देखने का स्थान नहीं है कौन कितना बड़ा है। श्रद्धा होती है और श्रद्धा के अनुसार लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं और इसलिए कौन बड़ा और कौन छोटा इसमें ऐसे समय पर विचार करने की बात नहीं होती है। हर एक ने अपने अपने शक्ति के अनुसार जो रामायण की कथा में है ना, वो क्या मेरी मातृभाषा तो मराठी हो गिलोरी, वो भी सेतु बंधन के काम में थोड़ी अपने अपने ढंग से रेती डालती थी। लोग होते हैं, काम करते हैं, हर एक का दायित्व होता है और उस दायित्व के अनुसार जब लोग काम करते हैं तो समाज बड़ा हो जाता है और ये बड़े समाज के हम सब घटक हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी का वजन मत करिए, आप अपने ढंग से उसके बारे में करिए। सर, ये कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी और वल्लभ भाई पटेल जी का उचित सम्मान उस समय नहीं दिया गया जिस वजह से आज सरकार को करना, जो हो रहा है उसकी खुशी मनाओ ना, जो नहीं हुआ वो क्यों रोते बैठे हुआ।